अमित एक बात तो बता यार। ना पिताजी। मैं चारों तरफ के ताने सुन सुन कर थक चुका हूँ। यू कैसी लव मैरिज करके लाया तू, कैसी बहू घर में लाया तू? एक तेरा दोस्त विपिन वो कह रहा कि तेरे घरवाली शराब पी के गली में उधन तारती फिर रही है, हैं? कैसे करूं, नाक कटवा के छोड़ दोगे बिल्कुल ही मेरी? बता, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। पिताजी मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं भी उसे समझाते समझाते ना मैं भी परेशान हो लिया, और तो और मेरे पर्स से पैसे चुरा चुरा के ना शराब पी रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं बहुत परेशान हो गया पिताजी, मैंने भी पता ना हमने कहाँ कर्म फोड़ लिए। अरे भाई तेरे पर्स से पैसे नहीं, मेरे पर्स से भी कई बार पैसे चोरी हुए, मैंने तो आज तक बताया तो ना है। भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस क्षेत्र में हमारी बदनामी बहुत बड़ी हवाली हो जाएगी, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सोच ले, या तो इसे समझा ले, वरना इस समाज में ना तो तू मुंह दिखाने लायक रहेगा और ना मैं मुंह दिखाने लायक रहूंगा, दोनों की मट्टी खराब हो जाएगी बहुत बढ़िया, कोई अपने धोरे बैठाएगा भी नहीं हमें। अब सोच ले करना क्या है। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाता हूँ। भाई अमित सोच ले बस, अब तेरे ऊपर दार मदार है, इसे समझा ले या कोई रास्ता निकाल ले। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो, आज इसको आ जाने दो, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, कितना समझाया था मैंने, कहा लव मैरिज मत कर, लव मैरिज मत कर, मेरे बेटे ने माननी नहीं। लगता आगे शराब पी गए। ससुर जी अभी तक जग रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? बहू तू एक बात बता, मेरे लड़के से अगर ये भूल हो ही गई कि तुझसे उसने शादी कर ली तो क्या हमारी इज्जत को दांव पे लगा के रहेगी तू? पूरा मोहल्ला हम पे हंस रहा है कि तेरे लड़के ने कैसी बहू ला रखी है, क्यों ये बुराई के काम कर रही है, क्यों हमारी इज्जत दांव पे लगा रही है तू? ए ससुर के बच्चे चुप, बिल्कुल चुप चुप। तू मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे रहूं, मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊं? हे भगवान, ये कैसी घड़ी दिखा रखी है तूने मुझे, यही बहू मिली थी मेरे लड़के को, आज समाज में क्या मुंह दिखाऊं मैं? ए बुड्ढे चुप चुप चुप, क्या कमी है मेरे में? इतनी अच्छी बहू है तेरे बेटे की, तू मेरे में कमी निकाल रहा है? हाँ? अरे पतिदेव तुम भी आ गए। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पिताजी को मेरे सामने तो उल्टा सीधा बोल लिया। अबे क्या कर रहे हो? अच्छा तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुम बाप बेटे को तो मैं सबक सिखा के मानूंगी। बेटा अमित इसे कुछ मत कह तू, इसे इसके हाल पे छोड़ दे, जितनी से अकल आ जाएगी ना ये खुद समझ जाएगी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आ रही है जो इस तरह के कर्तव्य कर रही है यार। स्वाति तो हमारी कितनी बेइज्जती कराएगी, मैं जब बाहर निकलता हूँ ना मेरे सारे दोस्त तेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। यार तू एक बात बता, इस सब चीज में तुझे मिलता क्या है? पतिदेव जो मजा इसमें है दुनिया की किसी चीज में नहीं, वो तुम में भी नहीं, तुम्हें क्या पता ये है तो जीवन है, वरना
कुछ नहीं है। मैंने तो कितना समझाया था पर तूने मेरी एक ना मानी। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहना चाहता अमित। मेरा इतना अपमान हो चुका है जो सहन करने काबिल नहीं अमित। एक बात याद रखना अमित, जिस घर की बहू अपने ससुर का मान सम्मान करना ना जानती हो उसे कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। तूने मेरी इतनी इज्जत की, तू मेरा सारा बना, मैं तेरा सारा बना। पिताजी तुम रो मत। पर तू उस बहू ने मेरी एक बात ना मानी, मेरा एक सम्मान ना रखा। कितना समझाएगा तू उसे? पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा जाके। जाओ तुम आराम करो, मैं उसे समझाता हूँ। देख अमित, अगर वो समझती है ठीक है, वरना मैं इसके बाद घर छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे कुछ मत कहना बेटा। पिताजी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझा तो रहा हूँ, तुम आराम करो। अब भी मुझसे नाराज हो कल वाली बात पे? सॉरी यार, मैं तुम्हें कब तक माफ करूं? तुम हर बार गलती बोल के फिर सॉरी बोल देती हो। यार तुम्हें पता मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है? मेरे घर से निकलना ना दुश्वार हो रहा है। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना तो पता क्या कहते हैं मेरे यार दोस्त? प्लीज स्वाति, मैं तुम्हारा का हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो ये सब। प्लीज अमित, तुम हाथ मत जोड़ो, मैं पक्का सुधर जाऊंगी। पक्का प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, पर हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगी, मैं पक्का सुधर जाऊंगी। चलो देखता हूँ तुम सुधरोगी या नहीं। चलो जाओ नीचे जाके खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया। बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, ऐसा कर मेरे लिए खाना बना दे और फोन को रख दे इसे। पूरे दिन फोन में लगना ठीक ना है, और घर का थोड़ा बहुत काम धंधा भी देख ले। मैं कुछ कह रहा हूं तुझे,
मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मेरे लिए खाना बना दे और घर का थोड़ा बहुत काम धंधा देख ले। मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, घर का कुछ काम धंधा देख ले, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे दवाई लेने जाना है, मेरे लिए कुछ खाना बना दे। पता नहीं इस बहू का इस जन्म में क्या होगा, मैं तो सोच सोच के अफसोस में हूँ। इस बूढ़े से भी मैं तंग आ चुकी हूँ, इसे खाना बना के खिलाओ, फिर इतने बड़े घर का काम करो, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कुछ करती हूँ मैं, चलो वही करती हूँ। पिताजी। हाँ, कैसे परेशान से बैठे हो, तू कहाँ से आया हो? मैं तो ऑफिस पर आया हूँ अभी। अरे घर की भी तो खैर खबर रखे कर भैया, आज तो शराब दिन में ही घर में ही पी रही है। मैंने खाना मांग लिया, मैंने कि खाना दे दे मुझे बना के, खाना तक नहीं दिया, जवाब नहीं दिया बिल्कुल भी, चुप बैठी रही है। अब पता नहीं कहाँ से आई है, शराब लाई है और अंदर शराब पी रही है। अमित, अगर यही हाल चलता रहा ना तो भाई बहुत नौबत खराब आ जाएगी। या तो इसे समझा ले और या इसे दे फिर छोड़। अगर मेरी जिंदगी चाहता है तो अमित, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो घर तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, और इस घर की बर्बादी मैं नहीं दे सकता। अमित, या तो इसे समझा ले, और ये नहीं समझती है तो भाई मेरे तो इस घर की बर्बादी नहीं देखी जाती और ना देख सकता मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा। अब सोच ले तुझे क्या करना है। पिताजी, मैं भी इसे समझाते थक गया, अब बताओ इस समझ नहीं पा रही तो मैं क्या करूं। काश तूने मेरी बात मान ली होती ना उसकी, ना भी तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। पिताजी तुम टेंशन मत लो, मैं उसे देखता हूँ, उसे समझाता हूँ। देख ले भाई। पीली दारू मिल गई शांति, पहले तुम बाहर से दारू पी के आती थी, हैं? यार घर में तो मत पियो यार, थोड़ी सी तो इज्जत रखो, सारी इज्जत मिट्टी में मिला होगी क्या? पिताजी के सामने थोड़ी सी इज्जत बची थी वो भी मिट्टी में मिला दी तुमने। पिताजी ठीक कह रहे थे कि मत कर इससे शादी, बर्बाद हो जाएगा, पर मैंने पिताजी की एक ना मानी, मैंने तेरी बात मान के शादी कर ली। मुझे नहीं पता थी कि तू ऐसे निकलेगी। चुप रहे, तेरे को ना और तेरे बाप को दोनों को अंदर बंद करवा दूंगी, जमानत भी नहीं होने दूंगी, आई समझ में? ठीक है, जो तुम्हें करना है कर लो, पर ये सब चीज छोड़ दो यार, ये अच्छी चीज नहीं है। चलो आ जाओ ऊपर लेटो। है चल, है तू? ठीक है, जो तुम्हें करना है ना करो। रुको, उठा मुझे। बाप के पैसे को पीती हूँ, अपने पैसे को पीती हूँ, अपने पैसे के। जो तुझे करना है तू कर, तू मुझे शराब पीने के लिए रोकेगा, तू रोकेगा? चल चल निकल यहाँ से। रोक लो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं कुत्ते साले। कर देख लिया तमाशा अमित, अब भी समझ जा
मैं कह रहा हूँ अब भी छोड़ दे इसे, घर की इज्जत बच जाएगी, मान जा। पिताजी इसको कैसे छोड़ दूँ, मेरे अलावा इसका दुनिया में है ही कौन। पिताजी आप क्यों नहीं समझ रहे। बेटा मैं समझ रहा हूँ तभी कह रहा हूँ, अगर तू नहीं मानता तो उसी का ठेका ठा ले तू, ठीक है। मैं तो घर छोड़ कर चला जाऊंगा कहीं भी, इसका मतलब मैं तो तेरे लिए अब कुछ नहीं हूँ, अब तो तेरी जिंदगी में वही है सब कुछ। अरे कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। चलो अमित देखना, अगर यही सब चलता रहा ना इस घर में, तो इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, देख लेना। पिताजी एक तो इसमें मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तुम और कर दो। पिताजी मेरा जीना हराम हो रहा है इस घर में, उसकी सुनता हूँ तो तुम बहू का गुलाम बताते हो, और तुम्हारी सुनता हूँ तो उन्हें कहते तू अपने बाप के पास तो माता है। मैं करूँ तो करूँ क्या। लो मैं तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आया हूँ, तुमने कल तो कुछ भी नहीं खाया, लो खा लो। एक बात बताओ स्वाति, मैं तुम्हारे लिए अपने पापा से लड़ रहा हूँ, अपने पापा की बातें सुन रहा हूँ, और मोहल्ले पड़ोस में भी सब मुझे बोलते रहते हैं, तुम यार मेरे लिए दारू नहीं छोड़ सकती। यार मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मेरे से नहीं छूट रही, मैं क्या करूँ। ये कोशिश करना हर बात का हल नहीं होता, जिस दिन तुम अपने मन में सोच लोगे ना कि छोड़नी है तो वो अपने आप छूट जाएगी। मुझे पक्का यकीन है तुम पे, तुम छोड़ दो। चलो आ जाओ खा लो, आ जाओ। तो ठीक है अब तुम खा लेना। ले देख आगे महारानी पी के, अब संभाल ले उसे। स्वाति इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ जी बोलो। ये देख किस तरह से आंख लाल हुई पड़ी है इसकी, फुल नशे में अब भी ये नहीं सुधरेगी कभी भी, ना समझेगी ये कभी भी। स्वाति तुम कहाँ गई थी। मैं कहीं नहीं गई थी। सच सच बताओ तुम कहाँ गई थी। जब मैंने बोल दिया ना मैं कहीं नहीं गई थी। ये रहा तेरा बैग और ये है डिवोर्स के पेपर, इस पर जल्दी साइन कर ले। हमने जितना साइन करना था ना हमने कर लिया, हम आगे साइन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर रही। नहीं कर रही। नहीं करूंगी मैं। साइन कर इस पे। नहीं कर रही मैं। साइन कर इन पे। नहीं करूंगी। साइन कर इन पे। जब मैंने बोल दिया ना नहीं करूंगी। मुझे पता तू सुधरने वाली नहीं है। तू क्या, तेरे तो बाप भी साइन करेगा। साइन कर इन पे। नहीं करी। साइन नहीं करेगी तू इन पे। नहीं नहीं मैं तलाक नहीं दूंगी। नहीं मैंने पिताजी के साथ और अमित के साथ बहुत गलत करा, दारू के चक्कर में मैंने उन्हें बहुत परेशान करा, अब मैं दारू नहीं पीऊंगी और उन्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती।